तो फिर आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। सो दिल्ली टू ऋषिकेश हम जाने वाले हैं आज। एंड तो आज ये देखिए हम दिवाली के जस्ट बाद जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, मतलब कोरोना तो चल ही रहा है इस टाइम पे, तो और पॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा सामने, मतलब जो दिवाली के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली, तो वो पॉल्यूशन दिख रहा है आपको। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठीक ट्रैफिक है यहाँ पे। तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ज़्यादा ट्रैफिक हो, पर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला हमें। तो ये हम पहुंच चुके हैं चाणक्य रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट हमने यहाँ पे बुक करा था अराउंड, मतलब जहाँ पे ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं हम, तो जब आप जाते हो जहाँ पे राफ्ट, जहाँ से राफ्ट स्टार्ट होती है आपकी, तो वही शिवपुरी, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहीं पे ये रेस्टोरेंट था, तो आप देख सकते हो सारा व्यू। तो ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के साथ में ही है, ये सारा पार्किंग एरिया है इसका। तो और यहाँ पे मतलब काफ़ी पार्किंग स्पेस है, और ये आपका सामने जो होटल है या रिजॉर्ट जो भी ये है, इसमें खाना, आगे का खाना खाने का सिस्टम सारा बढ़िया एकदम। और इसके रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब अंदर से बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है ये, और अंदर इसके पीछे ही होटल्स वगैरह में पार्टीज़ वगैरह भी हो रही थी वहाँ पे, और इस वाले होटल में पार्टी हो रही थी दिन में भी। तो मतलब जो भी है काफ़ी रिजनेबल रेट्स पे थे, और बिल्कुल रोड से सटा हुआ है एकदम, मतलब रोड के बिल्कुल बगल में ही है, तो आपको बहुत सही लगेगा। मतलब लोकेशन भी अच्छी है इसकी, और इसे जस्ट आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको राफ्टिंग के लिए भी मिल जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, तो जो आपको सामने दिख रहा है झूला, और उसके पीछे देख रहे हो आप पहाड़ वहाड़, वो एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, वो एक्चुअल में एक सीनरी है बहुत बड़ी, तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी थोड़ी बहुत। और ये इन्होंने टेंट लगा रखा है, एक सैम्पल टेंट लगा रखा है जो कि आप यूज़ करते हो, और ये रही वो आपकी सीनरी। तो अगर आप इसको पीछे से देखोगे तो पीछे पहाड़ वहाड़ नहीं है, वो एक सीनरी है बहुत बड़ी, तो आपको लग रहा होगा जैसे पीछे पहाड़ है एक्चुअल में, पर वो सीनरी है, पर सीनरी के पीछे जंगल ही जंगल सारा। और ये उसका साइड व्यू है होटल का, तो साइड में आप इसके बालकनीज वगैरह हैं, और काफ़ी अच्छा था, मतलब जो भी एक्सपीरियंस था इसमें मेरा काफ़ी अच्छा था, शानदार था, खाना वाना भी बढ़िया था एकदम। तो यहाँ पे स्टे वगैरह या पार्टी वार्टी के लिए आप आ सकते हो यहाँ पे, और बढ़िया था रिजॉर्ट। तो अब हम यहाँ पे हमने स्टे कर लिया, इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो अब हम जाने वाले नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो अब हमने एक और रिजॉर्ट बुक करा है यहाँ पे, तो एक कैंपिंग सिस्टम भी आप कह सकते हो, बहुत ही शानदार रूम है, आप ऊपर देख सकते हो ज़बरदस्त एकदम, और बहुत बड़ा ग्राउंड है इनका। तो ये रिजॉर्ट हमने बुक करा था यहाँ पे, तो काफ़ी ग्राउंड भी बहुत बड़ा है इनका, और सामने आपको गेट दिख रहा होगा, तो वहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ राफ्टिंग करने की तरफ। तो आपको मैं अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, और इस रिजॉर्ट का डिस्क्रिप्शन पूरा दूंगा मैं आपको, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें, पर लास्ट में दूंगा वो। तो अब मैं निकल गया हूँ बाहर राफ्टिंग की तरफ, और मास्क लगाना अनिवार्य है यहाँ पे अभी, तो इसलिए क्योंकि कोरोना चल रहा है इस टाइम पे। तो अभी हम निकले बाहर, तो ये जस्ट ये रोड से थोड़ा सा आपको ऊपर पड़ेगा अराउंड, लगभग जैसे कि 3-4 मिनट आपको चलना पड़ेगा ऊपर रोड से, बस ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो सामने आप देख रहे हो वो जीप जो जा रही है, तो वहाँ से हमारी उस पर राफ्ट भी आपको दिख रही होगी, तो जो उसके जीप के ऊपर जो हमारी राफ्ट है ये, तो इस राफ्ट में हम जाएंगे। तो हम जाने वाले हैं 11 किलोमीटर की राफ्ट में। तो थोड़ा यहाँ पे दुकानें वुकानें भी है पूरा आपका यहाँ पे, जैसे मैगी वगैरह, चाय पॉइंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और अपना हम कैप का पहन के तैयार है पूरा, ताकि ज़्यादा धूप ना लगे चेहरे पे, तो अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा राफ्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हमारी राफ्ट साफ हो रही है आप देख सकते हो, और एक और राफ्ट है जिसपे हम जाने वाले। तो ये सामने जो हमारे हैं सारे हमारे कलीग्स हैं, तो इनके साथ हम जाने वाले हैं। अब लेट्स सी, चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी राफ्ट की तरफ। तो चीर मेरे धूम धड़ाका, चीर मेरे धूम धड़ाका, चीर मेरे धूम धड़ाका, रिपीट हुरे, रिपीट हुरे, रिपीट हुरे। हाउ द जोस हाय सर, 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 जय हिंद जय हिंद, जय भारत, जलपान जलपान। ये क्या आया भाई, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट्स अ स्मॉल वन बटरफ्लाई। ओके इस बार लाउडली होए बोलना एक साथ। हाँ होए। ओ मैया चुरमुरी वाली, बंदी बड़ी करारी, घर से भाग आया, उमा का लेटर आया, उसमें ये लिखा था राफ्टिंग करके आना, जिंदा गाड़ के आना, लहरें चीर के आना, ओ बेटा जीत के आना। चप्पू नहीं चला रहे हम, सीख बहुत रहे हैं। नहीं यार, हम तो चला रहे हैं यार, मैंने भी चला। हाँ
स्विमर स्विमर बोलना है स्विमर. ऑलराइट लेट्स गो फॉरवर्ड प्लीज. मैम कुछ नहीं गिरेंगे आप. नो स्टॉप. आपसे ज्यादा सेफ्टी का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है. आप सिर्फ अपने आप को देखेंगे, मुझे सारे देखेंगे, ठीक है? तो इस चीज का टेंशन ना लो आप. Coming, rapid call, body surfing. Go forward. Forward, forward, forward. बोला नहीं है stop. Forward, 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 fast. Forward, 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 forward. Stop. Stop. Forward. Stop. Lock your paddle inside. Hold her up. Jump out. ये लो ये रस्सी लेके दूर जाओ. थैंक यू. ये वाले रस्सी पकड़ लो सारे सारे लोग प्लीज. आप भी आ जाएं. हाँ हाँ. मुंह बंद रखना अपने प्लीज. आप भी आ जाओ घूम के. नहीं नहीं उनको बोला, मैं आपको नहीं बोला. थोड़ा इधर को आओ, इधर को स्विम करो, उस तरफ को स्विम करो. चलो चलो दूर रहो थोड़ा बोर्ड से. ये क्या कर रहे हैं राजू? पास में मत रहो ना बोर्ड से. आपने फ्री रहो, एकदम फ्री रहो, बॉडी फ्री रखो. थोड़ा दूर जाओ, दूर जाओ, उस तरफ जाओ, उस तरफ को. ऐसे मैंने आप पत्थरों पे आ जाएंगे फिर. थोड़ा दूर रहो, दूर रहो. आप भी जाएं प्लीज. स्विमिंग करो ना, थोड़ा हाथ मारो सर उनकी तरफ. स्टॉप. नहीं नीचे नहीं. अगेन बैक पैडल. थोड़ा बाहर आओ मैम, आप अंदर आ जाते. आगे आओ. स्टॉप. पाल उसके नीचे डाल दो, आगे वाले के नीचे. दोनों 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 आगे डालो. चले फॉरवर्ड पैडल, फॉरवर्ड. ये लीडर मरवाएंगे. फॉरवर्ड है. आपके अंदर ना डर है, आप सारी चीज इसलिए मिस कर रहे हैं. तो फ्री माइंड रहे प्लीज आप. स्टॉप. बैक पैडल. पूरा अंदर डुबाओ, से ठंडी लगेगा. डुबाओ पानी में उसको. स्टॉप. सो थ्री टाइम लाउड स्पीक. रिपीट यू से हुर्रे. रिपीट हुर्रे. रिपीट हुर्रे. रिपीट हुर्रे. थैंक यू. मिस मत करना, थोड़ा पैनिक नहीं होना प्लीज. इजली हो जाएगा सारा. फिर चले रेडी. गो फॉरवर्ड. फॉरवर्ड पैडल. थोड़ा एल्बो स्ट्रेट, बॉडी मूवमेंट, अपर बॉडी यूज करो. जल्दी नहीं है, आराम आराम से मिलाओ ना एक साथ. टुगेदर. वन 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 वन. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. अब आवाज नहीं करना प्लीज. चले मिला के फॉरवर्ड. बोला नहीं है, शाबाश, मिला के रखो.
Forward, 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 forward. Go, 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 go. Go, go. All right, it's stop, it's stop, it's stop. Okay, get down, get down. Oh. Stop. Nani, well pulled. So have you seen natural washing machine? So you can see here, natural washing machine, like whirlpools, rolling, everything here. So let's go forward again. Now stop and relax, team. ठीक है थोड़ा बेटर था पहले से बेटर है All right, so now all team please lock your paddle inside. All team please leave it inside. दोनों पांव बाहर करके बैठेंगे and kick your legs. बाहर? हाँ, दोनों पांव बाहर करके बैठेंगे और tackling करना है. रस्सी पकड़ना है ना? हाँ, रस्सी पकड़ के. पानी में जाना था यार बहुत. ये तो नहीं किया. ये तो नहीं किया. All right, sit down, please. Sit down. नीचे बैठे प्लीज. हाँ जी. मिस मत करना फटाफट खींचो. मिस हो गया. Again forward. Okay, stop. Again forward. Okay, stop. Again forward, last time. बोलो हमारा क्या? कौन सा वाला? हिमालयन वाला. अच्छा ये सामने. लग्जरी वाला है ना? लग्जरी कैंप है या नॉर्मल टेंट? हिमालयन क्या है वो? लग्जरी कैंप. रिवर साइड है कि ऊपर है? ऊपर. हाँ वो सामने पीछे पीछे रोड के पीछे है. स्नो लेपर्ड के पीछे हो बगल में ना. हाँ बस वही. हाँ जी. नहीं नहीं अब ऊपर जाना है. एक बार तो कराओ. स्टॉप है हमारा. ओके नाउ प्लीज कम आउट वन बाय वन एंड ब्रिंग योर पैडल आल्सो प्लीज. तो फाइनली तो ये एंड हो चुकी है हमारी राफ्टिंग. तो ये हमारा बैंक था जहाँ पे हमने 11 किलोमीटर की राफ्टिंग करी है पूरी. तो यहाँ पे हमने एंड कर लिया. वो रही हमारी राफ्ट सामने और ये हमारे साथ कलीग्स हमारे जिसने उन्होंने साथ राफ्ट करी थी. और ये देखेंगे आप आगे पूरा वो जाते जा रहा है. यहाँ से पूरा फ्लो आगे का जाए. यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 16 किलोमीटर की राफ्टिंग जो आपकी आगे की तरफ जाती है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी पूरी राफ्टिंग यहाँ से. तो हमने 11 किलोमीटर की करी थी तो इससे ऊपर की थी और यहाँ तक वो आके स्टॉप हो गई थी. तो बहुत ही बेहतरीन रही हमारी राफ्टिंग. और राफ्टिंग की वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा अगर मुझे मिलती है. तो हमने रिकॉर्ड करवाई है कुछ वीडियोस क्योंकि आजकल वीडियो रिकॉर्ड करने का भी फीचर है इसमें. तो जो हमारे राफ्ट के वो इंस्ट्रक्टर थे
तो उन्होंने हमारी वीडियो रिकॉर्ड करी है उसमें। पता नहीं किसी का फोटोशूट भी चल रहा है शायद, कोई प्री वेडिंग वेडिंग कुछ हो रहा है। और ये देखिए हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये हमारे कलीग्स हमारे साथ जो आए थे और ये सब जाने वाले हैं अब ऊपर। तो आप देख सकते हो मुझे, तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और अपने रिजॉर्ट में जा रहे हैं हिमालयन रिट्रीट में, जो बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है। आने अब देखते हैं स्विमिंग पूल वगैरह वहाँ पे है, उनको भी इन्जॉय करेंगे हम। तो फिर देखिए अब मैं राफ्टिंग वीडियो अपने शेयर करूँगा जो कि हमने बनवाई है अपने इंस्ट्रक्टर से राफ्टिंग के। तो अब देखते हैं उनकी वीडियोज़ कैसे लगती है और उनको भी मैं ब्लॉग भी करूँगा। तो आ जाइए फिर आप। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा रिजॉर्ट का व्यू दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये इनकी इको हट्स हैं। तो इनकी हट्स बहुत ही ज़बरदस्त थी, मतलब अच्छी खासी, मतलब अंदर से ही बड़ी ज़बरदस्त थी और बाहर का जो स्पेस था हट के वो काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे आप आराम से रात को पार्टी कर सकते हो और रात को यहाँ पे बॉनफायर का पूरा इंतज़ाम था। तो स्नैक्स वगैरह भी जो हमें थे वो रिजॉर्ट से ही प्रोवाइड किए थे। तो इसका नाम था हिमालयन रिट्रीट रिजॉर्ट। तो ये आपका शिवपुरी से आई थिंक कुछ किलोमीटर आगे पड़ेगा। तो आपको आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं इसके और काफ़ी स्पेशियस है। मतलब यहीं पे आपको एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे और सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल जैसे आप बाहर निकलेंगे रिजॉर्ट से तो आपको सारे पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और सामने दिख रहा है आपको बहुत ही। तो यहाँ पे मतलब भैया देखिए अभी स्विमिंग पूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक जैसे आप इस पर स्विमिंग करोगे तो आपको दिखेगा इन्फाइनाइट टाइप का स्विमिंग पूल, क्योंकि इसके नीचे पूरा खाई खाई है। तो मतलब बिल्कुल एज पे बना रखा है स्विमिंग पूल और बहुत ही सुंदर है ये। तो जो उसका व्यू था रात में और सुबह बिल्कुल ज़बरदस्त था। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वो बैक यार्ड में, अगर आप देखोगे पीछे साइड पर पार्किंग है और ये सामने पीछे पहाड़ की तरफ। तो बहुत ही शांत और बिल्कुल ज़बरदस्त वाली प्रॉपर्टी थी मतलब। तो अगर मैं आपको और ले जाऊं इधर उधर, यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ भी थे इधर उधर, जो मतलब फ्रूट्स वगैरह के पेड़ थे काफ़ी सारे। तो मतलब काफ़ी बढ़िया था मतलब जैसे भी। ये रिजॉर्ट का आपको रास्ता दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कच्चा रास्ता है रिजॉर्ट का और काफ़ी ढलान वाला है। तो बड़ी आराम आराम से आपको जाना है यहाँ पे, हम भी बड़ी आराम से जा रहे हैं। बस इसके बाद आपका दोबारा हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल से आपका ये रास्ता 100 मीटर से 100 मीटर ही होगा लगभग, बस 100 मीटर का रास्ता है। उसके बाद आपका हाईवे हो जाएगा, मेन हाईवे। तो आपको सीधे इसीलिए छोड़ दिया। चलिए फिर हाईवे सामने आपका दिख रहा होगा, आपने कोई दिख रहे हैं गाड़ी हाईवे वाली। चलिए फिर, जय माता दी।